लो, मोदी कबूल कर लो। प्रेम कमाया था मंसूर जी, सूली चढ़ना का लगाया था जी, आशिक शम्मश तब रेज जी ने जीत जी पोष लुहाया था जी। जल जाए शमा पर परमाना, जल जाए शमा पर परमाना, ओ पहली शरत है शिरकत माना, कबूल कर लो ओजी कबूल कर लो। कमाना तो हर कोई चाहता, और ये कठिन कमाई है जी। प्रेम की दौलत भागों से मिलती, इसे किसी के है आए है जी। कहीं शासक नाम जी खुदी को मिटाना, वो कहीं शासक नाम जी खुदी को मिटाना, उषाह मस्ताना जी का फरमाना। पहली शरत है सिर कटवाना, कबूल कर लो होगी कबूल कर लो। बड़ा ही कठिन है प्रेम निभाना जी, प्रेम निभाना। पहली शरत है सिर कटवाना, कबूल कर लो होगी कबूल कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जप ले नाम नाम नाम, जप ले नाम नाम नाम, कर ले सचिया गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के। कर ले सचिया गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के। आवे काम काम काम, आवे काम काम काम, ऊंचा शौक मोहब्बत वाला पाले झोली तोड़ के। ऊंचा शौक मोहब्बत वाला पाले झोली तोड़ के। धंधा तोड़ के मजबा वाला हो जा एक इकल्ला तू, संगत छोड़ के गैरां वाली फड़ ले पीर द पल्ला तू। हस के खुद द तुखम उड़ा के हर विच देख तजल्ला तू। मिल जाए शाम शाम शाम, मिल जाए शाम शाम शाम, देखी गफलत दे दरिया विच बह जाए बेड़ी रोड़ के। जप ले नाम नाम नाम, कर ले सचिया गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के। जो कुछ पीर कहे सो सेना मूठी उफना करना जे, हसके छाल चिखा विच मारी मोतो मूल न डरना जे। हसके छाल चिखा विच मारी मोतो मूल न डरना जे। उच्चे बाम बाम बाम, उच्चे बाम बाम बाम, सतगुर रहिंदा शिखर चुबारे चढ़ जा पौड़ी लोड़ के। सतगुर रहिंदा शिखर चुबारे चढ़ जा पौड़ी लोड़ के। फड़के तेग नफीदी हाथ विच कट दे शर्क दा भोजारे, फड़के मन मंदिर विच अपने कर ले पीर दी पूजारे। पूजा तेरी नकम्मी सारी जेवन बैठो दूजारे। कुंडल लाम लाम लाम, कुंडल लाम लाम लाम, केरा कत बिल्फ दा आया अलहो ढाक मरोड़ के। कर ले सचे गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के।
कायम गुरु दी हस्ती अपनी हस्ती छड के मुर्शिद कामल दा लड़ फड़ लै वहम दूई दा कड़ के भिखिया मंग मसरूर प्रेम दी सिदको चोली अड के होगी शाम 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 होगी शाम 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 घर विच करे उड़ीका सतगुर बैठा मुंह क्यों मोड़ के घर विच सतगुर करे उड़ीका बैठा मुंह क्यों मोड़ के जप लै नाम 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 जप लै नाम 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 कर लै सचिया गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के कर लै सचिया गुरां दी सेवा ना जा मुखड़ा मोड़ के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिके सजन वाजे प्यारी सत्संग जी आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। मन इंद्रियां बड़ी फैलाव में है। इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है। मन काल के अधीन होके बुरे बुरे कर्मों पे उतारू है। भाग्यशाली वो हैं जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक से अपनी प्रीत जोड़े हुए हैं और वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं जो परमपिता परमात्मा की चर्चा सुन के उस पे अमल किया करते हैं। रूहानियत में दो बातें मुख्यतः अति जरूरी होती हैं। एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत और पीर फकीर पे दर्ज कीन और दूसरा वचनों पे अमल करना। ये दोनों बातें जिस शिष्य के पास होती हैं वो जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियों से दूर रहता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। तो रूहानियत में बेइंतहा सुख है, बेइंतहा खुशियां हैं, पर बुल्ले शाह वाली बात है कख ओले लख है पे। मतलब वचन मान लिए तो हो सकता है राख की चुटकी भी कोहिनूर बन जाए और वचन ना माने तो कोहे नूर भी राख बन सकता है। रूहानियत में संत पीर फकीरों के पास वचन होते हैं, कोई तीर कमान या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे बुराइयों का नाश हो। वचन करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक उनसे वचन करवाते हैं। फकीर तो कुछ नहीं, तो जो सुन लेते हैं और उसे अमल कर लेते हैं वो अति भाग्यशाली जीव होते हैं और अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। बरसती हुई मूसलाधार रहमो करम की बरसात उन्हें नजर आने लगती है और वही नहीं उनके इर्द गिर्द वाले यानी परिवारजन वो भी खुशियों की महक से महकते रहते हैं। तो इस कलयुग में मालिक का नाम जपना है तो मुश्किल लेकिन असंभव नहीं है। आप गपशप मारो टाइम का पता ही नहीं चलता, आप चुगली निंदा करो कभी अड़चन ही नहीं आती, दूसरों की टांग खिंचाई करो कोई रोकने वाला ही नहीं है, अपने मां बाप की अपने बच्चों की बुराई गाओ कोई नहीं रोकता। लेकिन जब राम अल्लाह वाहिगुरु गौड खुदा रब की भक्ति करनी हो तब मन रोकता है, तब सुमरण नहीं करने देता, तरह तरह के विचार पैदा कर देता है, गुमराह करता है, अंदर से गलत ख्याल आता है और फिर कहते लंडे नु खुंडा सौ को तो टक्कर दे। मतलब मन के मारों को मन का मारा कहीं ना कहीं मिल जाता है और इंसान उनकी बातें सुन के अपने पीर फकीर की तमाम खुशियां तमाम चीजें भूल जाता है। तो फकीर यही कहते हैं सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते खुशियों से दूर रहोगे, अंत्यकरण में खालीपन रहेगा,
मालिक की दया में रहमत आप पे नहीं बरसेगी। अगर उसकी रहमत चाहते हो, उसकी कृपा दृष्टि चाहते हो, तो आप सुमरण जरूर किया करो। ये घोर कलयुग है, कोई भरोसा नहीं, चलता चलता मन कब हावी हो जाए। आप बैठे कहीं और हो, अंदर ख्याल कुछ और हो, दिखते कुछ और हो, अंदर मामला कुछ और, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मन बड़ा शातिर है। इसलिए मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए तन मन धन से सेवा करो और राम नाम का जाप करो। ये दो ही तरीके हैं जिससे मन से लड़ा जा सकता है, अपने अंतःकरण की मैल को साफ किया जा सकता है। और जैसे दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, मालिक के साक्षात दर्श दीदार आप कर पाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। तो अपने आप की सफाई के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए राम नाम से बढ़के कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सुमरण के पक्के बनो, जरूर सुमरण किया करो, कम से कम आधा पौना घंटा सुबह, ऐसे ही शाम को। कभी ना भूलो कि ये याद रखो कि मैंने ये सुमरण कर नहीं करना है। जैसे सुबह उठते दूध पीना, चाय, नाश्ता लेना भूलते नहीं, जो भी कुछ आप खाते हैं वो भूलते नहीं, उसी तरह याद रखो कि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम लेना भी कभी नहीं भूलना। अगर ये बात आप दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो जिंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं रहेगी, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति 100% होगी। ये आप देख भी सकते हैं कि मरणोपरांत कैसे मुक्ति होगी। लगातार सुमरण कीजिए, परमार्थ कीजिए, वचनों और व्यवहार के सच्चे बनिए, तो सुमरण के द्वारा आप अंत्यकरण में सब देख सकते हैं। मरणोपरांत कैसे मोक्ष मिलता है, कौन सी वो जगह है, कैसा वो परमानंद है, यहाँ के स्वाद से अरबों गुणों बढ़ के और परमानेंटली वो कैसा स्वाद है, आप सुमरण और सेवा के द्वारा सब महसूस कर सकते हैं। तो विदेशों से बात करने वाले एपिसोड कनाडा और दवाम सऊदी अरब, बोलो बेटा बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बोलो बेटा। पिताई में आप जी की बेटी जसप्रीत एंड साबिसपुर कनाडा तो बोल रही हैं। हाँ जी पिताई, सारे परिवार वालों ते एपिसोड दी साथ संगत वालों नारा मंजूर करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताई तुहाडी सेहत किवें आ? बेबराज दी रहमत है बेटा, तुसीं दसो। पिता जी आप जी बहुत बयान मिल रहे हैं, मैं पिता जी बयान नहीं कर सकते जी, गल करने की हिम्मत बख्शना जी बेटा। पिता जी मैं प्रेगनेंट हाँ, मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, पिता जी आप जी आशीर्वाद चाहिदा है जी, सब कुछ ठीक ठाक हो जावे। पूरा आशीर्वाद बेटा, सिमरन करियो मालिक नाल बेटा, आशीर्वाद जी। पिता जी, पिता जी मेरी छोटी भैन दे एग्जाम ने फाइनल, आशीर्वाद चाहिदा है। पूरा आशीर्वाद बेटा, बचना ते रहो, सिमरन करो, अगे वधो बेटा, मालिक नाल आशीर्वाद। पिता जी मेरा ब्रदर मेरे कोले बैठा है, इदा पिता जी नाम शब्द नहीं लिया होया, ते पिता जी तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा है जी, आप जी दी आज्ञा होवे तां। जी बेटा बोलो। पिता जी मम्मी डैडी मजलिस च आए हुए हन कोटकपुरे, तो उन्हां ने नवी गड्डी लैनी है, आशीर्वाद चाहिदा है। जी बेटा आशीर्वाद बेटा, हाँ खड़े हन बेटा जी, आया नु बेटा, मालिक खुशी देवे, आशीर्वाद। बैठ जाओ बेटा। पिता जी ब्रदर नाल गल कर लो। जी बेटा। पिता जी तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिता जी मैं आप जी दा बेटा सुखवीर सिंह बोलदा हां जी। पिता जी तुहाडी सेहत किवें है? ठीक बेटा, तुसी दसो। बस पिता जी तुहाडी कृपा जी, पिता जी रहमत बख्शो के मैं छेती तो छेती आप जी दा नाम दान लै सका। जी बेटा। पिता जी अज मेरा जन्मदिन है, इस खुशी विच आप जी दी रहमत नाल मैं परमार्थ विच 7,770 रुपए जमा करवाए हन। जी बेटा, सेवा सिमरन तुहाडे लई मालिक रहमत करे, बख्शे और खुशियां देवे, और जन्मदिन तुहानू मुबारक बेटा, मालिक रहमो करो, मनवाजे अच्छे नेक इंसान बनो, आशीर्वाद बेटा। जी पिता जी तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी दो लाइन शब्द लगाना मांगदे हां, जे आप जी दी आग्या होवे तां। हां बेटा। पिता जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।
ਖੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਖੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਦ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਸਿਵਾ ਸਿਮਨ ਜਮਾ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਵਾਦ ਹੋਈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਐਪਸ ਫੋਰਟ ਦੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਦਮਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਬਰਾ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪ ਲੋਕ ਸੁਣਾਈਏ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਸ਼ੋਂ ਕਾ ਥੋੜਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਥਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਆਗੇ ਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਔਰ ਆਗੇ ਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਨਕੇ ਲੋਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੀ ਤੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਕੇ ਲੋਕੇਟ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਯਹਾਂ ਭੇਜ ਦੀਜੀਏ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਨਯਾ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਨਯਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੇਟ ਔਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਸਬੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜੀ ਬਸ ਇਨਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋ ਤੋ ਵਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕੇਲੇ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਢੀਲਾ ਮਸਤੀ ਸੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਅਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿਆ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਮਿਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਸੁਬਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਸੇ ਉੱਠਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਪੇ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋ ਉਹ ਪੁੱਛਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋ ਬੜੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਹੀ ਲੇਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਅਗਰ ਸੁਮਣ ਕੇ ਲਈ ਉਨਕੋ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਂਗੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੋ ਆਪਕੋ 10 15 20 40 50 ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੜਤੇ ਹੋਗੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਮਣ ਵੀ ਕਰ ਲੇਤੇ ਪਲਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਥਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਤੇ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਬੜੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਨੇ ਬੜੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮ ਸੁਝਾਅ ਉਨਕਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਏ ਜੀਵ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਲਵਾਨਾ ਜੀ ਦਿਲਵਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਨੇ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ 2020 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ 10% ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ 2020 ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਔਰ ਅਗਰ 25% ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕੋ ਫੋਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ
जी। और 50% भी पिताजी लगभग 108 करोड़ यानी लगभग पूरा हिंदुस्तान ही पिताजी प्रीमियर है। और पिताजी अगर 100% शासन इस बात को फॉलो करती है तो पिताजी 2020 में संघ की संख्या होगी कि लगभग 1280 करोड़ यानी कि पूरा विश्व प्रेमी हो जाएगा पिताजी। जी बेटा पिताजी आप एक सहमत बक्सो पिताजी सार संगत को बहन करो पिताजी जैसे हरियाणा पंजाब के पिताजी आप दिन कम्पिटिशन शुरू करवाया इसी प्रकार पिताजी सार संगत इस नियम को भी फॉलो करे तो सार संगत की संख्या जोर ज्यादा बढ़ते ही। जी बेटा जी बेटा वाकई सत्संगत इसको फॉलो कर रही है और यही हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हर सत्संगी को हर प्रेमी को चाहिए कि उसे तो खुशियां मिल ही रही हैं वो एक और को हर सत्संग पे नाम दिलाए। हर सत्संगी अगर ये सोच ले तो घर में भी पौबारा पची अपने शरीर में भी पौबारा पची और मालिक की खुशियां कई गुणा दुगुनी चौगुनी बढ़ के उसकी झोलियों में आनी शुरू हो सकती हैं। पिताजी आप जी ने सुझाव लिया उसके लिए पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी जी बेटा कुछ ड्राई फ्रूट हैं मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियाँ आए बेटा आशीर्वाद जी पिताजी आप जी ने अपना अनमोल टाइम हमें दिया पिताजी इसके लिए तहे दिल से पूरी साथ संगत पिताजी आपका धन्यवाद करती है और नारा लगाती है पिताजी सबको आशीर्वाद बेटा। रणजोत दिन सा कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से नया घर लिया है चाबी पर दृष्टि दिलवाना चाहते हैं जॉब भी लग गई है जी और पहली तनख्वाह 1,50,000 रुपए दिन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा दी है जी। प्यारे पिता यहाँ के मूल नागरिक रॉबर्ट सेंडर अवंती फर्नांडेस को कैंसर है क्या हम उन्हें आप जी की पावन दृष्टि वाला प्रसाद दे सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको जो घर बना है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और चाबी आपके लिए घर सुख देने वाला हो बचनों पर रह के सुमरण करते रहे मालिक खुशी बख्शे बेटा और सेवा सुन में मन लगे मालिक से प्यार बढ़े और यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें सिर्फ प्रसाद ही ना दें बल्कि उनको ये बोलें कि धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा आधा घंटा या घंटा सुबह घंटा दोपहर घंटा शाम अगर उनको कैंसर है तो ये जाप करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं और साथ में प्रसाद दें तो मालिक करने वाले उनके हाथ में हमारे तो कुछ भी नहीं भाई हम तो दुआ करने वाले हैं बेटा और उनको कहें कि वो आके नाम लें और नाम से जुड़ें तो ये बात अगर आप प्रसाद उनको आप दे सकते हैं प्रसाद आशीर्वाद बेटा पर साथ में ये नारे का भी उनको बोलो घंटा सुबह दोपहर शाम और फिर धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे सुबह ऐसे लगातार जितना ये करते जाएं कॉन्फिडेंस आएगा और विल पावर से ही बीमारियों से लड़ा जा सकता है। सो आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद और प्रसाद बन गया। पहली बार विदेश जाना है चंद्रवती व हरनूर एडिलेट बहनों की तरफ है हरनूर सिंह भाइयों की तरफ शायद जी बेटा आशीर्वाद आप हैं आप जा रहे हैं बाहर जी बेटा आशीर्वाद सुमर करते रहे बेटा बचनों पे रहना मालिक साथ है बेटा प्रसाद ले जाना और सारी साथ संगत को भी आशीर्वाद कहना MSG एडम ब्लॉक में मिलके जाना बेटा आशीर्वाद। जसवंत सिंह जी चेयरमैन नगर पालिका तारानगर साथ में 2 पार्षद और पूर्ण श्यामदीप इंसान आए हैं जी बहुत स्वागत बेटा बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान खुशियां बख्शे और प्रसाद ले लीजिएगा और सबको परिवार को आशीर्वाद कहना हमारी तरफ से भगवान खुशी दे आशीर्वाद आशीर्वाद जी आशीर्वाद बेटा इधर भी आपको भी आशीर्वाद भगवान खुशियां दे प्रसाद ले लीजिएगा। घर जाने वाले 25 मेंबर बहन राजस्थान बलाग में जाना है जी प्रसाद ले जाइए बेटा और सुमरण करते रहिए मालिक साथ है बेटा प्रसाद ले जाना आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और ये दिन दुखी मध्य बैंक में 21,100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर 9 मेंबर श्रीदान का भी 9 मेंबर दोनों दान महादान आशीर्वाद आशीर्वाद और जीते जी गुर्दा दान करने का पर भी 6 मेंबर कर रहे हैं बहुत बड़ा दान महादानों का महादान शाबाश आशीर्वाद। लड़के का नाम संजय इंसान पुत्र बलवीर सिंह जी का निवासी निजी अखेड़ा जिला सरसा हरियाणा लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है आशीर्वाद। लड़की का नाम अमनदीप इंसान पुत्री गुरजीत सिंह इंसान जी की निवासी सोता जिला मुक्सर पंजाब लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी
आशा बेटा और ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को अपना सबसे बड़ा तोहफा समझा, तो मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और ये विवाह शादी के दिन परिवार तन मन धन से दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोटा, ऐसे चार परिवार आए हैं जी, सभी ने नाम लिया था, खड़े हो जाए। माणी सिंह वाला फरीदकोट, गयाना, बठिंडा, मंडी, गोलू वाला श्रीगंगानगर, राजस्थान, प्रीतनगर, सरसा। एक का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान आशीर्वाद। एक ही आंखें दान हुई, आंखें दान महादान आशीर्वाद। तीन परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जी, फजूल खर्ची की बजाय। सो आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही ज्यों त्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाता है, सचखंड लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरण भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बेटा बैठ जाए आशीर्वाद। बाकी जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नो शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी।